हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एसएससी की स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, जिसमें मैं आपको करवा रही थी क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस की एक क्लास हमारी हो चुकी है और उसकी एक क्लास हो चुकी है आपके क्वेश्चंस की। तो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो वो आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन पहला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है? सीधी सी बात कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या गरबा, कौन सा नहीं है? गरबा है ना, ये सब हमने पढ़े हुए हैं। हमारे कितने क्लासिकल डांस हैं? 8 क्लासिकल डांस हैं। उनमें से आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली भी है। भरतनाट्यम आपका है, भरतनाट्यम आपका है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। हमने पढ़ा था कि गरबा क्या है, लोक नृत्य है जो कि कहाँ का है? गुजरात का है ना, जो कि क्या है? गलत जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप गोलाकार गतियों के उपयोग के लिए जाना जाता है और अक्सर मणिपुर राज्य के में त्योहारों के दौरान किया जाता है? सबसे पहला एक पॉइंट हमें निकल कर आ रहा है कि मणिपुर राज्य का एक त्योहार है, गोलाकार गतियों में किया जाता है। बताइए वो कौन सा होगा? कथक, कुचिपुड़ी या मणिपुरी या फिर मोहिनीअट्टम? मणिपुर लिखा गया, क्या होगा आपका? मणिपुरी नृत्य। कौन सा होगा? मणिपुरी नृत्य। इसमें कृष्ण भगवान की जो रासलीला, प्रेम लीला होती है, उनके बारे में दिखाया जाता है। रासलीला और प्रेम लीला, एक लड़की रहती है ड्रम जैसा क्या पहनी रहती है, घाघरा पहनी रहती है। बहुत ही धीमी गति में ये नृत्य किया जाता है, बहुत ही धीमी गति में, धीमी गति में नृत्य किया जाता है, ठीक है। क्लियर है, आगे हम बढ़ेंगे। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने जटिल फुटवर्क के उपयोग के लिए जाना जाता है और अक्सर ओडिशा राज्य में महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता है? नर्तकियों द्वारा किया जाता है और ओडिशा में किया जाता है। तो ओडिशा का कौन सा नृत्य है? ओडिसी है ना, ओडिशा का तो सिंपल है याद रखना, क्या है? ओडिसी है, ठीक है। क्या है? ओडिसी। इसको त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, ठीक है। कौन सी मुद्रा? त्रिभंग मुद्रा। कहां पर है? ओडिशा में किया जाता है। ओडिसी नृत्य भी इसको, ओडिसी नृत्य इसको हम कहते हैं, ठीक है। उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य जो हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के प्रभाव में विकसित हुआ है, कौन सा? हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के प्रभाव में विकसित हुआ है। जब मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास समझाई थी, उसमें पूरा आपको पढ़ाया हुआ है कि एक आपका ऐसा नृत्य है जो कि मुस्लिम संस्कृति से संबंधित रखता है, क्या? ये आपका होगा कथक। कौन सा होगा? कथक, ठीक है। एकमात्र ऐसा
जो मुस्लिम संस्कृति से संबंधित है, जो कि मुस्लिम संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, कौन सा होगा? कत्थक। कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर भारत का ये क्या है? एक नृत्य है। उत्तर भारत का एक ये नृत्य है। ठीक है, इसको श्री कृष्ण भगवान ने किया था, इसीलिए इस नृत्य को और भी क्या कहते हैं? देखिए, श्री कृष्ण के द्वारा नृत्य किया गया इसीलिए इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। नटवरी नृत्य। क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि नटवरी नृत्य किसको कहते हैं, तो नटवरी नृत्य किसको कहते हैं? कत्थक को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? कत्थक को कहते हैं। और इसके दो अंग हैं, एक लास्य और दूसरा तांडव। एक लास्य और एक तांडव। ठीक है, लास्य किसका प्रतीक है? ये स्त्री का प्रतीक है, कोमलता को दर्शाता है। और तांडव किसका प्रतीक है? पुरुष का, तेज, गुस्सा, क्रोध, इसको दर्शाता है ना। पुरुष कठोरता को, कोमलता और कठोरता को दर्शाता है। इसके किसके ये दो अंग हैं कत्थक के। और ये जो नृत्य है ये तालबद्ध नृत्य है। कैसा नृत्य है? तालबद्ध नृत्य। ये पैरों की जो थप थप जमीन पे होती है उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्या पैरों की जो चाल होती है, मूवमेंट्स होते हैं जो, उन पर ज्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बहुत तेज गति से होता है और घुंघरू के लिए ये जाना जाता है। घुंघरू बांध के ये नृत्य क्या है, किया जाता है। ठीक है, कथक निम्नलिखित भारतीय राज्यों का शास्त्रीय नृत्य है, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर असम। किसका नृत्य है ये? किसका है? उत्तर प्रदेश का है ना, एकमात्र उत्तर भारत का आपका शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप घुंघरू के उपयोग के लिए जाना जाता है और अक्सर ठुमरी और गजल संगीत के साथ किया जाता है? किसके साथ? ठुमरी और गजल संगीत के साथ ये किया जाता है और घुंघरू के उपयोग के लिए जाना जाता है। कौन सा बताया था मैंने घुंघरू के उपयोग के लिए? बताइए, आपका कत्थक बताया था मैंने है ना, तालबद्ध नृत्य है एक। चलिए आगे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ और कहानियों को बताने के लिए नृत्य और संवाद दोनों के उपयोग के लिए जाना जाता है? सीधा सा आंध्र प्रदेश का पूछा गया है ना। आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ है और कहानियों को बताने के लिए नृत्य और संवाद दोनों का उपयोग उसमें किया जाता है। कौन सा होगा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है आपके? आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और इसको जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसको कैसे किया जाता है? थाली पर पैर रखकर। पीतल के थाल पर पैर रखकर।
पीतल के पीतल थाल पर पैर रखकर और सिर पर पानी की कलश रखकर पानी भरे कलश रखकर किया जाता है। कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। और एक और बात याद रखेंगे कि इसमें जो संगीत पेश होता है वो कौन सा संगीत पेश होता है, आपका बताइए कौन सा होगा। इसकी भाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। जबकि जबकि संगीत कर्नाटक का पेश होता है। ठीक है, इसकी ये खास बात है कि इसमें जो संगीत पेश होता है वो कर्नाटक का संगीत पेश होता है, जबकि यहाँ की भाषा क्या है? तेलुगु भाषा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे पीतल के थाल पर पैर रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है आपका? ये वाला, कुचिपुड़ी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य धीमी और तरल गति के उपयोग के लिए जाना जाता है और अक्सर भक्ति गीतों पर किया जाता है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य धीमी गति के लिए जाना जाता है? धीमी गति के लिए बताइए, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर मोहिनीअट्टम? धीमी गति, मोहिनीअट्टम। कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, और महिला प्रधान द्वारा किया जाता है, महिला प्रमुख। कथकली के आप वो कथक केरल के आपके दो शासकीय नृत्य हैं, केरल के एक आपका कथकली, दूसरा आपका मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये कथकली पुरुष प्रधान होता है। और ये आपका स्त्री प्रधान। मोहिनीअट्टम सबसे जटिल नृत्य है, सबसे जटिल नृत्य। ठीक है, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित राज्यों का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है बताइए? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या असम? किसका है? केरल का है। और महिला द्वारा इसको किया जाता है, एकल महिला द्वारा। खालिस्तान एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति असम के वैष्णव मठों यानी सत्रों में हुई है, बताइए कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया या फिर मोहिनीअट्टम? क्या होगा? कहाँ पर हुई है? असम में हुई है। ठीक है, कहाँ पर हुई है? असम में हुई है। ठीक है, तो असम का नृत्य पूछा गया है, बताइए कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया या मोहिनीअट्टम? कौन सा होगा? सत्रिया। ठीक है, किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी?
क्षत्रिय नृत्य को कब शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी थी? 2005 या फिर 2000 या आपका 2012 या 2016, कब दी थी? 2000 में, याद रखेंगे 2000 में। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संस्थापक किसे माना जाता है? जो भरतनाट्यम नृत्य है उसका संस्थापक किसको माना जाता है? रोशन कुमारी, शोभा नायडू, सुनंदा नायर या रुक्मणी देवी अरुंडेल? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे किसको माना जाता है? रुक्मणी देवी अरुंडेल को। कहाँ का ये नृत्य है? तमिलनाडु का नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। और इस नृत्य जो है एकल महिला द्वारा किया जाता है, एकल महिला द्वारा एकल महिला द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे एकाहार्य कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? एकाहार्य कहा जाता है। और एक और बात याद रखेंगे हम इसकी, जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है इसमें जो कविता का पाठ करता है, इसमें जो कविता का गायन पाठ करता है, कविता के पाठ करने वाले को नट्टूवनर कहा जाता है, ठीक है। पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? नट्टूवनर कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जटिल हस्त मुद्राओं और चेहरे के हाव भाव के उपयोग के लिए जाना जाता है? कौन सा जो नृत्य है जो चेहरे के हाव भाव के लिए जाना जाता है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर मोहिनीअट्टम, कौन सा है? बहुत अच्छे से आपको ये मैंने समझाया था, ये है आपका कथकली, केरल का नृत्य, ठीक है। केरल का नृत्य ये, इसमें क्या करना, इसको खुले आसमान के नीचे किया जाता है, खुले आसमान के नीचे ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है, खुले आसमान के नीचे, इसका ये एक मेन पॉइंट है,
ठीक है, खुले आसमान के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? कथकली नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें पांच चीजों का सामंजस्य पूर्ण संयोजन है, पांच चीजों का संयोजन है। पहला साहित्य, दूसरा एक्टिंग, तीसरी पेंटिंग, चौथी नृत्य, पांचवा संगीत। साहित्य दिखाया जाता है, एक्टिंग इसमें की जाती है, पेंटिंग की जाती है, नृत्य किया जाता है और संगीत पेश किया जाता है। ये पांच चीजों का संगीत, जो पांच चीजों का संयोजन है, ठीक है, पांच चीजों का जो है इसमें संयोजन है। ठीक है, कौन कौन सी? साहित्य, एक्टिंग, पेंटिंग, नृत्य और संगीत। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें जो चेहरे पर मेकअप किया जाता है वो एक हरा रंग किया जाता है और एक लाल और काला। हरा रंग राजा को दर्शाता है, यानी हीरो को दर्शाता है, और जो लाल और काले रंग होते हैं वो एक विलेन को दर्शाते हैं, यानी आप कहेंगे दुरात्मा या बुरा व्यक्ति। ठीक है, उसको दर्शाता है ये। और कहीं कहीं जगह जो पुरुष ही ये नृत्य करते हैं, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसमें जो कहीं कहीं जो महिला के जो पात्र होते हैं वो भी कौन निभा लेता है? पुरुष ही महिलाओं के पात्र जो है इसमें कई बार निभा लेते हैं। ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। कथकली की हुई है, केरल का है ये। किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता तेज फुटवर्क और घूमने की गति के लिए उपयोग है? कथकली, कत्थक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। इसका आंसर है कत्थक। ठीक है, तालबद्ध नृत्य है, बताया था आपको। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने मुखौटों और विस्तृत वेशभूषा के उपयोग के लिए जाना जाता है? किसके लिए? अपने मुखौटे, यानी आपका जो मैंने बताया पेंटिंग, मेकअप और जो वेशभूषा, एक ऐसा घेरदार, ऐसा घेरदार सा वो कुछ पहने होते हैं ना, ये घेरदार वो पहने होते हैं। ठीक है, कुछ किसमें? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली। किसमें? कथकली में वो पहने हुए होते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है? भरत मुनि का है ये नाट्य शास्त्र। किसका है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। उसके सिद्धांतों पर कौन सा आधारित है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। यह है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, और आपके वेद कितने हैं? चार, उसमें से पांचवे वेद के रूप में जाना जाता है ये। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपनी मुद्राओं या हाथ के इशारों के लिए उपयोग किया जाता है? किसके लिए? हाथ के इशारों के लिए ये उपयोग किया जाता है। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए पूछ लिए आप सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था।
कौन सा शास्त्रीय नृत्य पीतल की थाली पर पैर रखकर किया जाता है और सिर पर कलश रखकर भी, पानी की कलश भरकर भी किया जाता है? कौन सा नृत्य बताया था बताइए, ये बताया था मैंने आपको, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप मृदंगम और घटम जैसे ताल वाद्य यंत्रों के उपयोग के लिए जाना जाता है? मृदंगम और घटम जैसे वाद्य यंत्रों के लिए बताइए कौन सा जाना जाता है, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम? इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जाति पैटर्न के उपयोग के लिए किया जाता है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी? क्या होगा आंसर, फिर से पढ़िए। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जाति पैटर्न, कौन सा पैटर्न जाति पैटर्न के लिए उपयोग किया जाता है? जाति पैटर्न के लिए कथकली, कथक, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, ये किया जाता है कथक, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप नवरस या फिर नौ भावनाओं के उपयोग के लिए किया जाता है? मणिपुरी, भरतनाट्यम, सत्रीय, मोहिनीअट्टम? इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप चक्कर या फिर घूमने वाली गतियों के उपयोग के लिए किया जाता है, जिसमें राउंड राउंड गोल गोल जो है घूमा जाता है, वो कौन सा नृत्य है? घुंघरू पहनकर ये नृत्य किया जाता है, उत्तर प्रदेश में ये नृत्य किया जाता है, तालबद्ध ये नृत्य है ना, तेज फुटवर्क के लिए ये जाना जाता है, कौन सा नृत्य है वो बताइए? मणिपुरी, कथक, सत्रिया, मोहिनीअट्टम? सीधी सी बात, कौन सा होगा? कथक होगा। ठीक है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप पदम या फिर काव्य गीतों के उपयोग के लिए जाना जाता है बताइए, किसके लिए? पदम या फिर काव्य गीतों के लिए उपयोग किया जाता है, मोहिनीअट्टम, कथक या सत्रिया या फिर मणिपुरी, कौन सा होगा बताइए? कथक। ठीक है, जगोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के मुख्य दो भाग हैं? भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी या मोहिनीअट्टम? ये आपके जगोई और चोलम मणिपुर के अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है, किसके लिए? मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है बताइए, इड़क्का, सितार, दुसमसा या नगाड़ा? ये किया जाता है मोहिनीअट्टम नृत्य, जो कि आपका केरल का है, इड़क्का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताल हम पढ़ेंगे, जो वाद्य यंत्र होते हैं वो सभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लासिकल डांस वाली, क्लासिकल डांस की जो क्लास है वो हो चुकी है आपकी, कल
कंप्लीट, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जल्दी से जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, और जो भी समझ में नहीं आया हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और हाँ जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का कोई भी एक टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता हो उसके ऊपर हम क्लास रखेंगे, फिर उसके स्टेप बाय क्वेश्चन करेंगे जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। इसको पढ़िए अच्छे से, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में, थैंक यू।